एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष के सेट। गाइस, जब भी मैं थल्लापति विजय सर की लियो मूवी के बारे में सोचता हूँ और उसके मोस्ट वांटेड डायरेक्टर लोकेश कनगराज सर के बारे में सोचता हूँ तो लिटरली काफी ज्यादा शॉक्ड रहता हूँ। यार कुछ ही मूवियों के दम पर उन्होंने इंडियन सिनेमा की 12 बजा रखी है, क्योंकि इससे पहले किसी कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं है जिन्होंने कुछ मूवियों के बिहाफ पर ओवरसीज राइट, डिजिटली राइट्स के पूरे फाड़ के रख दिया। और काफी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हर्ष भाई, लियो मूवी के ओवरसीज राइट्स का क्या हुआ, उसका फिगर क्या होने वाला है, कितना हो सकता है। बिल्कुल गाइज, अपन सब के बारे में बात करेंगे कि इसका ओवरसीज जो राइट्स है कितने में सोल्ड आउट हुआ है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। गाइज, अगर मैं बात करूं थल्लापति विजय सर की लियो मूवी के बारे में, तो यह एक ऐसी मूवी हो गई है जो इंडियन सिनेमा के साथ साथ ओवरसीज में भी मां बहन करने वाली है, क्योंकि ना तो इससे पहले हुआ है और ना कभी हो पाएगा, जो कि किया डायरेक्टर लोकेश कनगराज सर ने। भाई ओवरसीज जो राइट है ना भाई, पूरा बाप लेवल का निकल कर आया। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा फिगर होगा, इतना होगा उतना होगा, भाई काफी सॉलिड फिगर निकल कर आया। ओवरसीज जो राइट सोल्ड आउट हुए हैं लियो मूवी के, वो हुए 60+70 करोड़ के अंडर हुए, यानी कि 60 करोड़ से लेकर 70 करोड़ के अंदर के इसके ओवरसीज राइट सोल्ड आउट हुए। गाइस, अब खुद सोचिए गाइस कि यार लोकेश कनगराज सर ने ओनली 5 से 6 मूवियां बनाई, आई थिंक थोड़ा सा ऊपर नीचे समझ लीजिएगा, और इस लेवल का बवाल लेकर चल रहे हैं, जो कि लियो मूवी इतना ढा रही है, उठा रही है, उठा उठा के पटक कर मार रही है। क्योंकि जब इनका और भी फ्यूचर पड़ा है आने वाले 5-10 साल के बाद, भाई पूरे इंडियन सिनेमा की 12 बजा कर रखने वाले हैं लोकेश कनगराज सर। और लिटरली यार प्राउड वाला फील ये आता है कि यार एक समय था कि कॉलीवुड को, ये साउथ इंडस्ट्री वालों को कोई पूछ नहीं रहा था। सोचिए, करण जौहर ने 100 करोड़ रुपीज में इसके हिंदी राइट्स सोल्ड आउट किए, टेक ओवर किए, जो कि फाड़ कर रखने वाला है। और लिटरली गाइस, डे वन का इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी निकल कर आएगा ना, इजिली 100 करोड़ के प्लस का निकल कर आने वाला है। बाकी आप लोग अपने रिएक्शन बताइए कि आपको क्या लगता है कि डे वन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या निकल कर आएगा। और लिटरली यार अब तो वेट नहीं हो रहा, बस 22 जून का इंतजार है, जिस दिन इसका ऑफिशियल ग्लिम्स आने वाला है। भाइयों, थोड़ी तालियों और सीटी तैयार रखिएगा, क्योंकि इसका ऑफिशियल ग्लिम्स आने वाला है। बाकी गाइस, आप लोग हमें बताओ थल्लापति विजय सर के बर्थडे के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड, और आपके क्या ओपिनियन है इसके ओवरसीज राइट्स के बारे में, अपने रिएक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।